चलिए बच्चों अब एक कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, तो चलिए बच्चों एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, हमें दिया हुआ है कि आइस है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको कैलोरी मीटर के अंदर रखा गया है। इस आइस में देन वाटर ऐड कर देते हैं और वाटर का इस आइस में हम 38 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर ऐड कर देते हैं। जब ये मिक्सचर मेल्ट हो जाता है तो उस मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे कि हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितनी होगी। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। क्योंकि ये सारा एक्सपेरिमेंट कैलोरी मीटर के अंदर हो रहा है, दैट मीन्स इट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब क्योंकि ये सारा सेटअप एक कैलोरी मीटर के अंदर है, दैट मीन्स इट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। सो जो भी हीट एक्सचेंज होगा वो वाटर एट 38 डिग्री सेंटीग्रेड का एक्सचेंज होगा आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो हम लोग देखते हैं। तो चलिए बच्चों, जो हमने पिछले टॉपिक में हीट की इक्वेशन पढ़ी थी क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी एंड क्यू इज इक्वल टू एम एल, उसको यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले डेटा देखते हैं। हमें दिया हुआ है मास ऑफ कैलोरी मीटर 60 ग्राम्स, मास ऑफ कैलोरी मीटर प्लस वाटर 460 ग्राम्स। तो यहाँ से हम लोग मास ऑफ वाटर निकाल सकते हैं, 460 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 400 ग्राम्स। फिर हमें दिया है मास ऑफ कैलोरी मीटर प्लस वाटर प्लस आइस 618 ग्राम्स। इससे मास ऑफ आइस निकल जाएगा 618 माइनस 460 विच इज 158 ग्राम्स। और जैसे अभी हम मैंने आपको बताया था और जैसे अभी आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, हीट लॉस बाय वाटर विल बी इक्वल टू हीट गेन बाय आइस टू मेल्ट प्लस हीट गेन बाय वाटर टू रीच अ टेम्परेचर ऑफ 5 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने के लिए जो हीट जरूरत होगी वो, प्लस यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि कैलोरी मीटर का टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, तो उसके लिए भी हमें एक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में मास ऑफ वाटर इंटू एस डब्ल्यू इंटू 38 माइनस 5 विल बी इक्वल टू मास ऑफ आइस इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस प्लस मास ऑफ आइस इंटू एस डब्ल्यू इंटू डेल्टा टी, दैट इज 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर पहुंचने के लिए कितना टेम्परेचर चेंज होगा, प्लस मास ऑफ कैलोरी मीटर इंटू एस कैल इंटू 5 माइनस 0। तो यहाँ पे हमने अज्यूम किया है स्टार्टिंग में जो कैलोरी मीटर है उसका टेम्परेचर 0 था, जो कि बाद में चेंज होके 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, प्लस मास ऑफ कैलोरी मीटर इंटू एस कैल इंटू 5 माइनस 0। अब ये 5 माइनस 0 क्यों लिखा है इसको अच्छे से समझते हैं। इनिशियली कैलोरी मीटर में सिर्फ आइस थी, तो हम अज्यूम करेंगे कि कैलोरी मीटर का इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, और फाइनल टेम्परेचर क्योंकि वाटर का 5 डिग्री है तो वही टेम्परेचर कैलोरी मीटर का भी होगा, तो इसलिए हमने डेल्टा टी फॉर कैलोरी मीटर लिखा है 5 माइनस 0। अब क्वेश्चन में दी हुई सारी वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास LF आ जाएगा, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस और वाटर इज इक्वल टू 78.35 कैलोरीज पर ग्राम।